गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो टुडे अगेन वी आर डिस्कसिंग यू नो इनकम फ्रॉम सैलरी। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो क्वेश्चन देखा था उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक। तो उसी हाँ, तो ये क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो आप लोग उसको सॉल्व किए हो क्या? आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है? चलो ठीक, क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। कैलाश इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, ही सप्लाइज यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, डीए 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ डीए एंटर्स इनटू पे फॉर सर्विस। इट मींस दैट जो डीए का 50% है वो एज पर रूल है। मैरिज अलाउंस 600 पर मंथ, एजुकेशन अलाउंस 270 पर मंथ। एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि ये जो 90 रुपीज है विच इज लेस देन 100, तो दो बच्चों का एग्जेम्प्ट हो जाएगा और एक बच्चे का टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। बोनस 1 month सैलरी, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1200 पर मंथ। ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट एट द रेट ऑफ 16% ऑफ सैलरी टू आरपीएफ। 4% निकालेंगे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। 2 months की एडवांस सैलरी इसकी, ड्यूरिंग 18-19 ही हैड रिसीव्ड 2 month बेसिक सैलरी एज एडवांस व्हिच वाज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 2018-19। ठीक है, जिसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो हम सैलरी से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा ले लिया है। ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं। ही इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर इन सिटी पॉपुलेशन 11 लाख। रूल क्या बोलता है, पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख 15% ऑफ सैलरी, पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख बट लेस देन 25 लाख 10% ऑफ सैलरी, पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक है, ही इज ऑल्सो इन रिसिप्ट ऑफ मेडिकल अलाउंस 300। ठीक है, मैं आपको बताया था कि ये जो इंटू 12 करेंगे, लेकिन ये जो मेडिकल के एक्सपेंसेस है इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, 4500 ड्यूरिंग दी है। कैलकुलेट हिज सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर कैलाश। For the assessment year, for the assessment year 2020-21, ठीक है, particulars amount के दो कॉलम, particulars amount के दो कॉलम। चलिए, तो see there is information क्या लिखा था आपको, सैलरी बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी 20,000 × 10, क्योंकि 2 months का जो है वो एडवांस सैलरी ले चुका है, तो कॉलम में कितना आएगा, 2 लाख। ठीक है, डियरनेस अलाउंस डीए
3% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो ये कितना आएगा? इट्स 1,20,000, ठीक है, क्योंकि आपका जो सैलरी है 2,40,000 होता है और इसका 50% 1,20,000 होता है, ठीक है। मैरिज अलाउंस, मैरिज अलाउंस को क्या बोल रहे हैं? 600 * 1 * 12, 7,200। देन एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस है। अगर आप चाहें तो दोनों उस दिन जो वो बच्ची बता रही थी, शी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 90 * 12 कितना आता है? 1,080। ये सही है? यस सर। है? ओके, वो जो बच्ची ने बताया था वो भी करेक्ट है, ठीक है। देन बोनस, 1 month सैलरी, बोनस कितना? 20,000, ठीक है। फिर बोनस के बाद क्या? ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 16%। नहीं, एंटरटेनमेंट अलाउंस छोड़ दिया है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,200 है, एंटरटेनमेंट हाँ 1,200 कितना आता? 14,400। ठीक है, फिर क्या बोलता है? एक्सेस ऑफ 12%, एक्सेस ऑफ 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रेकॉग्नाइजिंग ऑफ इट, ठीक है। इसका वर्किंग नोट आएगा, ड्यूरिंग 18-19, ठीक है, उसको 2 month की एडवांस सैलरी मिल गई। रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस, ठीक है, इसका भी वर्किंग नोट आएगा, ठीक है। ही इज ऑल्सो रिसिप्ट मेडिकल अलाउंस 300 pounds, मेडिकल अलाउंस कितना है? मेडिकल अलाउंस 300 pounds है, इंटू 12 करेंगे 3,600। 3,600, ठीक है। और क्या है? ये मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट में आ जाते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट, रेकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। मिनिमम सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस डीएस पर रूल, प्लस 3% ऑन सेल। तो सैलरी आपकी यहाँ पे कितनी आएगी? 2,40,000, ठीक है। ऑल्दो आप कॉलम में कितना मेंशन कर रहे हैं? 2 lakh, बट यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? 2,40,000। डीए एज पर रूल है कितना? आपका जो डीए है उसका 50%, तो 2,40,000 प्लस 60,000 इक्वल्स टू 3 lakh, ठीक है। 16% है यानी 4% ऑफ 3 lakh,
12,000 कितना? 12,000 ठीक है चलो लिख देते हैं बोनस में, दूसरे नोट पे आ जाते हैं। ठीक है मीनिंग ऑफ सैलरी, ठीक है सैलरी क्या होता है, सैलरी प्लस डी एस पर रूल, डी ए एस पर रूल प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्स वाला, टैक्सेबल अलाउंस। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में लेके सैलरी कितना लिखे फिर से लेके कितना क्वार्टर का होगा, डीए हमें निकाल के कितना पर रूल 60 का ऑप्शन है, कमीशन नहीं है बोनस है 1 month सैलरी 20 का ऑप्शन। ठीक है अलाउंस की बात करें मैनेजर अलाउंस 7,200, एजुकेशन अलाउंस 1,080, मेडिकल अलाउंस 3,600। चलो कैलकुलेटर चलाओ कितना आ रहा है, थ्री लाख 46,280, 46,280। इसमें आपन ने एक आइटम को नहीं लिया, एंटरटेनमेंट अलाउ छोड़ दिया। ठीक तुम्हारा कैसे आ गया बिना उसको लिखे उतना आंसर, ये किसने बताया? आपने बोला ना कि ऑल एक्सपेंसेस ऐड करना, तो मैंने एंटरटेनमेंट अलाउंस वो लाइन से कर रही थी, तब मैंने शायद ऐड कर दिया होगा तो आ गया होगा। अप्रिशिएट ठीक है। अब आ रहा है क्या, देखो तो ये जो अमाउंट लिखा है इसको चेक करके देखो ये आ रहा है कि नहीं। हाँ सर आ रहा है, ये ऐड करने से ही आ रहा है पूरा, डायरेक्ट अलाउंसेस जो ऐड किए थे। हाँ तो आप जो मीनिंग ऑफ सैलरी निकल गया, ठीक है पॉपुलेशन कितनी है, 11 लाख है, मोर देन 10 लाख है बट लेस देन 25 लाख। ठीक है मोर देन 10 लाख बट लेस देन 25 लाख, तो 10% ऑफ सैलरी। ठीक है इसका मतलब है 3,46,280 का 10%, तो 34,628। ठीक है यही आ रहा है, यस सर, यस फर्नीचर की कॉस्ट गिवन है क्या? नहीं तो नहीं, तो चलो वापस कॉलम में आ जाते हैं, ये अमाउंट लिखते हैं 34,628। ठीक है चलो इसको ऐड करके बताओ कितना है ग्रॉस सैलरी। कितना सर 4,12,908। 4 लाख
बाकी लोग भी चेक कर लो। यस सर वही है। यस सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 50,000 माइनस करके बताओ किसान।3,62,908 ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? Anyone having any confusion? Anyone having any doubt in this question? क्लियर ना? नोट डाउन कर लो। देखो इस क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम कॉलम में चार्ज कर रहे हैं 10 months की सैलरी, ठीक है। व्हाई? बिकॉज 2 month का जो एडवांस है वो आपने क्या किया है, ईयर 2018-19 में कंसीव कर लिया, विड्रॉल कर लिया है, ठीक है। तो हम कॉलम में 2 lakh चार्ज करेंगे, वेयर एज जो वर्किंग नोट और कैलकुलेशन होगा, ठीक है, उसमें हम पूरे ओवरऑल ईयर की सैलरी चार्ज करेंगे। यही एक ऐसा मेन पॉइंट है जहां पे थोड़ी गलती हो सकती है, अदरवाइज बाकी तो नॉर्मल, ठीक है। कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू हो गया सबका? नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो ये यस सर कौन बोल रहा है, दिखा, शो मी योर कॉपी। क्या नाम है भाई तुम्हारा? व्हाट्स योर नेम? कहाँ चले गए? दुद्धू बनाओ प्रोग्राम नीचे। चलो ठीक है, कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू हो गया सबका? यस सर। चलिए अनामिका शो मी योर कॉपी, कॉपी दिखाना। यस सर। तुम्हारा कैमरा थोड़ा ब्लर टाइप का विजिबल नहीं है बेटा, मतलब क्लियरली नहीं। सर अब क्लियर है?
हाँ अब थोड़ा क्लियर हो रहा है, वो हिल रहा है ऊपर नीचे दिख। एक मिनट से। ओके ओके बेटा ओके चले ठीक है, वो अमाउंट दिख रहा है हमारे से। ओके थैंक यू थैंक यू। चलो हो गया ना सबका, आगे चले सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, श्रीमती ममता रानी इज एन एम्प्लॉई ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज इन दिल्ली, शी इज इन ग्रेड ऑफ 27,000, 1,245,000 सिंस 1 जनवरी 2018, शी गेट्स 15,000 पर मंथ एज डीएनएस अलाउंस एंड सीसीए 200 पर मंथ। She has been provided with a furnished accommodation by the college. The college is not the owner of the house. The rental value of the house is 6,000 per month and furniture costing 24,000 has also been provided by the college. She has been given a small car which in addition to college work is used by her for her private purposes also. The driver remuneration and all the expenses relating to use of the are borne by the college. She has been provided the facility of gardener, watchman, and servant who are paid by the college 150 per month, 1200 per month, and 800 per month respectively. She contribute 10% her pay to the recognized provident fund towards which the college contributes at the rate of 8%. She paid employment tax 500 during the year. Assuming that the salary becomes due on the first of the next month. ये main point है. What it means that? इसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा है? इसमें लिखता है assuming that the salary becomes due on the first of the next month. इसका क्या मतलब है मुझे कोई बताएगा? सर जैसे जो मार्च की सैलरी है वो 1 अप्रैल को जाके मिलेगी शायद। अच्छा वेरी गुड, तो इसमें कोई डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में? मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलेगी, ठीक है वेरी गुड, ठीक है। अनामिका कहीं जॉब कर रहे हो? नो नो सर। सर। तो बेटा पापा पापा जॉब कर रहे होंगे, पापा मम्मी को जॉब कर रहा हो, डैडी जॉब कर रहे हैं? यस सर। अच्छा तो डैडी से कभी बैठ के बात करना और पूछना कि पापा मार्च का जो सैलरी होता है वो अप्रैल मंथ में मिलता है कि क्या होता है बेटा? देखो मैं ये सबको बता रहा हूँ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर अनामिका को नहीं बता रहा हूँ मैं। इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो आप जब वो जनवरी में काम किया और जनवरी में पैसा मिल गया, ऐसा नहीं होता। यू आर नॉट लेबर, ठीक है, यू आर एम्प्लॉई। तो हम क्या मतलब देर इज अ ट्रेंड कि हम जन स्टार्ट होता है एक टाइम ड्यूरेशन, सपोज 10 तारीख को सैलरी गिनती है, ठीक है, तो क्या होता है लास्ट, जैसे कि तुम आज ज्वाइन किए, टुडे इज 10, ठीक है, तुमने इस मंथ काम किया, ठीक है, दिस इज यू नो द मंथ ऑफ दिसंबर, फिर अगला महीना जनवरी आए, तो तुम ये महीने काम करोगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अगले महीने की जनवरी आएगी तो 10 तारीख को तुम्हारा पेमेंट आएगा, और वो पेमेंट कब का होगा? वो दिसंबर का होगा, ठीक है। सेम वे तुम जॉब करोगे जनवरी में, फिर उसका पेमेंट कब आएगा? फरवरी, ठीक है। तो पेमेंट क्या होता है ना बेटा, एक महीने के बाद ही आता है, वो भी प्रीवियस मंथ का, ठीक है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो बोल रहा है इसका मीनिंग ये है कि टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। देखो अपन ने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो एट द एंड ऑफ द मंथ किया है, जिसमें हमने टाइम ड्यूरेशन लिया है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये बिगनिंग ऑफ द ईयर बोलेगा, फर्स्ट
फर्स्ट डे ऑफ द मंथ बोलेगा तो आपका टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट होगा फर्स्ट मार्च टू 28 फैब, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ हम लोग क्वेश्चन को, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। एज्यूमिंग दैट द सैलरी बिकम ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान देना। चलो अभी अपन सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन में सैलरी ग्रेड कितना गिवन है, 27,000 दिख रहा है आपको सैलरी ग्रेड इतना दिया हुआ। जॉब कब से, 4 जनवरी 2018, ठीक है। तो ये श्रीमती ममता रानी थी, तो देखो यहाँ पे आपको पहले इनिशियली वर्किंग नोट डालना पड़ेगा, ठीक है। 1 जनवरी 2018 31 दिसंबर 2018, ठीक है। आपकी सैलरी कितनी है, 27,000 पर मंथ, ठीक है। देन 1 जनवरी 2019 to 31 दिसंबर 2019 में आपकी सैलरी 27,000 में 1200 को हिट कर देंगे तो इट्स 28,200 पर, ठीक है, 28,200 पर। 1 जनवरी 2020 31 दिसंबर 2020, ठीक है। 28,200 में 1200 को ऐड करेंगे, 29,400, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आप देखो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्टार्ट होगा पोस्ट मार्च 2019 to 28 February 2020, ठीक है। तो ये 12 months की इनिशियल जो 10 months है वो बनाएगा, तो फर्स्ट मार्च 2019 to 31 December 2019, कितने महीने होते हैं, 10 months। 28,200 into 10 equals to 2,80,000, ठीक है। 4 January 2020 28,000 2020 सैलरी कितनी हो गई, 29,400। मार्क्स कितने बचे, तो कितना आता है, 58,800 58,800, यस सर।
अब ये दोनों को ऐड कर देता है। ₹3,40,800, 3 लाख, 40,800। ठीक है। इज राइट, आप लोग भी चेक करके बताओ मुझे, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? करेक्ट है ना? 3,40,800 यस सर, रुपीज भी हम आ जाते हैं। ₹3,40,800, ठीक है। बेसिक सैलरी के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? शी गेट्स 15,000 पर मंथ एज डीआरएस अलाउंस। डीआरएस अलाउंस मैं बोला 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ इनटू 12 कितना आता है? 1,80,000। डियरनेस अलाउंस के बाद क्या बोलता है? सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सीसीए 200 पर मंथ इनटू 12, 2,400। सीसीए के बाद क्या है? प्रोवाइडेड विथ फर्निश्ड एकोमोडेशन, ठीक है। इसका वर्किंग नोट आएगा फर्निश्ड एकोमोडेशन। इसका वर्किंग नोट लिखेंगे, ठीक है। फर्निश एकोमोडेशन के बाद क्या आ रहा है? द कॉलेज, ठीक है। फर्नीचर कॉस्ट का 10%, स्मॉल कार आ रहा है, ठीक है। स्मॉल कार का रूल क्या बोलता है? स्मॉल कार का रूल क्या बोलता है? हाँ, कितना आएगा स्मॉल कार में? क्या बोल रहा है? शी हैज बीन गिवन अ स्मॉल कार विच इन दी ऑल दी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू यूज ऑफ द कार आर बॉर्न बाय दी कॉलेज। ऑल दी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू दी यूज ऑफ द कार आर बॉर्न बाय दी कॉलेज, ठीक है। देखो मैं तुम लोगों को कितने बार बताऊंगा, ठीक है। एम्प्लॉय छोटा होता है तो 600, ठीक है। एम्प्लॉयर बड़ा होता है तो 1,800। एम्प्लॉय छोटा होता है तो लार्ज कार का 900, और एम्प्लॉयर के लिए 24। तो यहाँ पे क्या है? 1,800। ड्राइवर का कितना? 900। ड्राइवर तो हर कंडीशन में 900 ही है, ठीक है। तो 2,700 × 12 कितना आता है? 32,400, कितना? 32,400। 32,400, चलो ठीक है। आगे चलो, स्मॉल कार के बाद क्या है? शी हैज बीन प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ गार्डनर, वॉचमैन एंड सर्वेंट। गार्डनर, वॉचमैन, सर्वेंट, बाइटर का कितना है? 150, 150 × 12, 1,800, 1,200 × 12, 14,400, और ये 800 × 12 9,600। करेक्ट है कि नहीं चेक करते जाना, ठीक है। शी कंट्रीब्यूट 10%, और इसका तो कुछ आगे नहीं, ठीक है। ₹500 एम्प्लॉयमेंट टैक्स काट रहा है, ठीक है।
इसका वर्किंग नोट आना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में आ जाते हैं मिनिमम सैलरी बोल। सैलरी प्लस टू क्या होता है, सैलरी प्लस जीएसटी प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्स बोल। सैलरी कितना, 3,40,000, 800 डीएस पर नहीं है, सीसीए 24। और कुछ है कितना आ रहा है दोनों बैठ जाए, 3,43,200। इसका 10% निकालो, 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट। फर्नीचर कॉस्टिंग कितनी की बने, 24,000 पर 10%, 2,400। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, 367। पॉपुलेशन कितना गिवन है क्वेश्चन में, देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। 10% तो निकालेंगे, 15% निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पॉपुलेशन नहीं बताया, 15% निकालेंगे। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, assume that population is more than 25 lakh, ठीक है। इसका 15% बताना कितना आ रहा है, 343,200 का 15%, 51,480 प्लस 2,400, 53,880। यस सर। विजिबल है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो कॉलम में आ जाओ, 53,880। हाँ चलो कैलकुलेटर चला दो, 348 प्लस 180,000 प्लस 2,400 प्लस 53,880 प्लस 32,400 प्लस 1,800 प्लस 14,400 प्लस 9,600 कितना है। ये भगवान सिक्स लैख 35,280 6,35,280 चेक करो सही बोल रहा है। यस सर, यस ठीक है। देखो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आएगा 50,000 और एम्प्लॉई ना एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी पे कर ये दिया है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ठीक है। ये 500 है तो इसको माइनस करो, 50,500 को माइनस करो,5,84,780
चलो हो गया। कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू? नोट डाउन कर लिए सबने? सर 5 थोड़ा 2 मिनट है। मैं रुकूं, डोंट वरी। जो मेन इंपॉर्टेंट था वो था फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है? इसमें टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। इन जनरल वी आर ऑप्टिंग 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लेकिन इस क्वेश्चन में 1 मार्च टू 28 फेब हो जाएगा, ठीक है? तो कैप दिस थिंग इन योर माइंड, एट द एंड ऑफ द मंथ और बिगनिंग ऑफ द मंथ और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस, ठीक है? इसको दिमाग में आप लोग रखना, क्योंकि इफ यू नो द थिंग, और ये एक लाइन को अगर आपने ध्यान नहीं दिया, एग्जाम में आपका जो 15 मार्क का क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, ठीक है? सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस लाइन। और यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स था वो कौन पे कर रहा था? एम्प्लॉई पे कर, ठीक है? इसीलिए उसको जो अंडर सेक्शन 16(1), 16(2), 16(3) जो ये आता है, इसमें ये भी एंटरटेनमेंट अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और एक ये तीन डिडक्शन होता है, ठीक है? तो कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू हो गया सबका? यस सर। यस सर। थैंक ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शिवम, शिवम साहू, शिवम, यस सर। सो यू आर इन फाइनल ईयर, नो मैम, नो सर, सेकंड ईयर। सो व्हाट आर यू डूइंग इन दिस क्लास? सर द लिंक वाज सेंड बाय द मैम। कौन सी मैम? सर अदिति आचार्य। अदिति आचार्य? सर लिंक को मैम ने सेंड किया तो मैं ज्वाइन किया हूँ कब सेंड किया दीदी आचार्य? मैम। सर अभी किए मैम ने। यस सेकेंड ईयर मैम।
वो तो कुछ और लिंक सेंड करी है शिवम। सॉरी सर, फिर हो गया होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। KVF KVF EQAGTNZ वो तो कुछ और लिंक है यार, तू यहाँ आ कैसे गया। सर इसको मैम ने भेजा, जो व्हाट्सएप में भेजा उसमें सर एक्सपायर बता रहा है। अच्छा फिर ये वाला कहाँ भेजा? ये वाले लिंक को मैम ने भेजा है। कहाँ पे? सर मैसेज की थी मैम। मैसेज की थी? मैंने उनसे पूछा था ना कि थर्ड पीरियड का क्या बोलते हैं लिंक क्या करके मैम भेजी ये वाला। अच्छा देखो पर्सनल भेजी है। हाँ सर। अच्छा ठीक है चल। ज्योति घोष, अन्वय, क्लास इज ओवर।